क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें तीन रेजिस्टेंस दिया गया है, एक बैटरी है और एक डायोड है। हमें पता है डायोड जो है जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो करंट को पास कर देता है, उसका रेजिस्टेंस जो है जीरो माना जाता है, और जब रिवर्स्ड बायस्ड में होता है तो करंट को बिल्कुल भी पास नहीं करता और उस केस में उसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फाइनाइट माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखेंगे कि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस जैसा है, बैटरी कैसे जोड़ा है, बैटरी का हायर पोटेंशियल इधर आएगा और लोअर वाला इधर आएगा, है ना। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये इधर हायर पोटेंशियल, ये इधर लोअर पोटेंशियल है, तो ऐसे करंट को ये पास करने देगा, ये अलाउ कर देगा पास करने करंट को। ठीक, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो चूंकि डायोड जो है देखने में फॉरवर्ड बायस लग रहा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि फॉरवर्ड बायस में ये जीरो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है उसको हटा करके एक वायर से रिप्लेस करेंगे तो जो सर्किट है ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। जो बैटरी है 30 वोल्ट का है और तीनों रेजिस्टेंस 10 किलो ओम के हैं, है ना, ये भी 10 किलो ओम का है। अब ये और ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट आएगा कितना, 10 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5 किलो ओम। अच्छा, ये 5 किलो ओम है और ये 10 सीरीज में हो गए दोनों, तो 5 प्लस 10 यानी कि 15 किलो ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 15 किलो ओम। ठीक, अब यहाँ से करंट निकालना हो I, तो कितना करंट निकालेंगे, वो आएगा मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 डिवाइडेड बाय 15 किलो ओम, है ना, या 15,000 ओम लिख सकते हैं इसको, है ना। ये करंट यहाँ से जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें निकालना हो, ध्यान रहे ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, चाहे इधर से निकाले इधर से निकाले दोनों बराबर आएगा, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों पैरेलल में भी है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं आई इंटू यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5, तो वी ए बी ऐसे कर सकते हैं आई, आई जो है इतना है 30 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम यानी कि 5,000, है ना, तो ये आ गया 10 वोल्ट। दूसरा तरीका क्या है, ये जो करंट जा रहा है यहाँ जाने के बाद आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है तो करंट भी आधा जाएगा, इधर से I बाई 2 इधर से I बाई 2, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस केवल निकालना है तो I बाई 2 इंटू ये वाला R वो कितना आएगा, तो I बाई 2 इंटू R यानी कि 10 किलो ओम। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी ए बी, आई आया है 30 बाई 15,000 यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है इंटू 10 किलो ओम का मतलब हो गया 10,000 ओम, तो ये आप सोल्व करेंगे तो ये फिर से 10 वोल्ट आएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर जो है देख सकते हैं कि सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।